सलमा कहाँ है अब? यहाँ क्या हुआ है मेरी बच्ची को? जेबा, आपको किसने बताया? और नेहा की बात हुई ना तैमूर से, क्या कौन सा जरूरी काम था किचन में कि उसे किचन में जाना पड़ा? 3 साल पहले हम लोग सोच रहे थे कि हमारा बेटा अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है, लेकिन नहीं, हम लोग गलत सोच रहे थे। वहां तो ये अपना घर बसा रहा था। जी बेगम साहिबा ने कहा है आप अभी बीवी के सामने कुछ खा लें, हो सकता है उनका भी दिल चाहे और वो भी 2-4 निवाले खा लें। और साहब जी आपने अभी बीवी की देखभाल के लिए किसी लेडीज का कहा था, तो मैंने बात कर ली है, कल से वो आ जाएगी। ओह वेरी गुड, चलो थैंक यू। आपने उस वक्त से कुछ भी नहीं खाया तैमूर। तुम मेरा साथ दोगी तो ही खा सकूंगा ना। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अभी अब बहुत हो गई है तुम्हारी जिद। सब कहते हैं कि मेरी बीवी बहुत बहादुर है। अब तुम्हें मुझे प्रूव करना है, ओके? मुझे भी इस बात का यकीन होने लगा। आप सबसे पहले तो नायाब को मैसेज करें और बोलें उसे कि वो मुझे आयजा और अमार की पिक्चर्स भेजें। मैं उसे 2 दफा मैसेज कर चुका हूँ और वो तस्वीरें भेज रही है। वो जितनी भी बिजी हो ना, मेरी बात कभी नहीं टालती है। मैं ससुरालियों में अपनी फैमिली में बिजी हो गई होगी, इट्स ओके। तुम इतना सेंसिटिव क्यों हो रही हो? आप बस उसे दोबारा मैसेज करें। तो घर तक मैसेज भेज दो। ये लो, भेजिए उसे। दिखाएं मुझे जल्दी से। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। वेरी नाइस। चलो तैमूर, बस मेरा पेट भर गया, मुझे बस पिक्चर्स देखने देना। तुमने सिर्फ एक निवाला लिया। क्या करती है लड़की, ये क्या हुलिया बनाया हुआ था। इशाल ने मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई है तकरीब में उसे देखकर। क्या था मॉम, वो बेचारी तो बेचारी नहीं है, वो तुम्हें प्रेशर में लाने के लिए करती है ये सब। नहीं मॉम, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई मॉम। देख रही थी एक साइड पे खड़े तुम दोनों बातें कर रहे थे। क्या कह रही थी? तुम्हारे साथ आना चाह रही थी। नहीं मॉम, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने। झूठ बोल रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी यहाँ बेचारी वो जल गई थी किचन में काम करते हुए, इसलिए तैमूर और उसकी फैमिली नहीं है। मुझे तो कहा था उनके यहाँ कोई डेथ हो गई है। मॉम उन्होंने सबसे यही बात की थी, किसी को भी अभिया के जलने के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो दादी से छुपाना चाहती थी। वो लोग नहीं चाह रहे थे कि दादी को पता चले और परेशान हो। फिर तो तुम्हें कह रही होगी कि तुम्हें अभिया को देखने जाना चाहिए। नहीं मॉम, वो बेचारी तो अभिया से अभी तक मिली नहीं। कल सुबह जाएगी उससे मिलने की। जाना तो हमें भी चाहिए। कल चलते हैं। ऑफिस जरा देर से चले जाएंगे, उससे पहले उसे लेके अभिया के घर चक्कर लगा दें। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने आपको आराम के लिए कहा ना, तो आप आराम करें। हाँ माँ, और डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपने वक्त पे दवाइयाँ खानी है। प्लीज अपने कमरे में चल के ना दवाई ले लें। हमें अभिया के ना आने का बहुत अफसोस है। बहन से ना मिलके उसे कैसे चैन आएगा। अरे अम्मा, सुबह शाम आप ही तो बच्चों को कहती हैं कि शादी के बाद पहले ससुराल फिर मायका, है ना। ईशाल और नायाब भी हमें बिल्कुल बुझी बुझी सी लगी, हमारी इतनी हस्ती खेलती बच्ची, समझ से बाहर। अम्मा ऐसा बिल्कुल नहीं है, चलें आप अपने कमरे में चलें, मुझे भी नींद आ रही। अच्छा, सुबह जल्दी जाएंगे सलमा और ज़िया को पुरसा देने। जी जी, हम फिर कह दे रहे हैं, हमें अबिया के ना आने का गम नहीं भूलेगा, हमेशा हमारे दिल में ये खलक रहेगा। नहीं अम्मा ऐसा नहीं है, नायाब और रजा की ढोलकी होगी ना तो वो आती रहेगी। एक्चुअली अजहर, मैं ये सोच रही थी कि वो नायाब और रज़ा की ढोलकी कैंसिल करके ना रुखसती से एक दिन पहले ना सिर्फ डायरेक्ट मेहंदी रख लें, क्या ख्याल है आपका? ठीक कह रही है अम्मा, देखे ना तैमूर हमारी बहुत इज्जत करता है और भाभी और ज़िया भी हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। है, है, अजीब सा वाक़या हो गया। चलो अब तुम लोग भी आराम करो, सुबह सलमा और ज़िया के घर जल्दी जाना है। हम भी जाते हैं। चलो आराम कर लेना तुम लोग। जी जी, जल्दी जाना है सुबह। सर क्या करेंगे, अम्मा तो सुबह जाने के लिए तैयार हो गई हैं। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा? लगता है मैं आपको आज अच्छी नहीं लग रही थी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, अच्छी लग रही थी। अच्छा तो फिर आप इतने परेशान क्यों थे? नहीं परेशान नहीं हूं मैं, डोंट वरी। अमर आपके अल्फाज आपका साथ नहीं दे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी शरीके हयात हूं अमर। हम दोनों के दरमियान कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी उलझन नहीं होनी चाहिए जिससे हम दोनों ना वाकिफ। ठीक कह रही हो। तो फिर बताएं क्यों परेशान थे आप आज इतने? हर वक्त किसी उलझन में थे, और अंकल आंटी वो भी वैसे फ्रेश नहीं थे जैसे वो कल थे। आयजा मुझे अमेरिका वापस पहुंचना अगले हफ्ते। देखा ना, अम्मी और बाबा की तरह तुम भी परेशान हो गई हो। अमर मुझे पता नहीं था कि आपको वापस भी जाना है। मुझे भी पता नहीं था, अब वहां पे छोटा सा बिजनेस है, वो वाइंड अप तो करना है ना, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अच्छा है ना, हम लोग घूम लेंगे। नहीं मैं चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान घूमें, नॉर्दर्न एरियाज। तो भूल जाएं अपना ये प्लान आप, क्योंकि मैं यहाँ आपके बगैर नहीं रह सकती। आयशा प्लीज। नहीं अम्मार। देखो आयशा, तुम इस तरह से उदास होती हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आपको जाना इतना जरूरी है तो आप प्रॉमिस करें कि अगर आप गए तो जल्दी वापस आएंगे। प्रॉमिस मी। ओके प्रॉमिस। हैप्पी नाउ? Good. मैं अम्मार को हरगिज बाहर नहीं जाने दूंगा। अरे उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमें अंधेरे में रखा। यही बात तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये सोचें कि करना क्या है। उसे उस लड़की को छोड़ना होगा। वहां पे उसकी बेटी है, हमारा खून है। और जिस बच्ची को इतने लाड प्यार से हम अपनी बहू बनाकर लाए हैं, वो भी तो किसी की बेटी है। क्या जवाब देंगे उसे और उसके घर वालों को? हमने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी अपने बेटे की। आपने हक हलाल का निवाला खिलाया था उसे, और ये लड़का दोनों को धोखा दे रहा है। वहां पे उसे नहीं पता कि यहाँ ये शादी कर चुका है, और यहाँ अगर आयशा को पता चल गया कि पहले से शादीशुदा है तो उस बेचारी का क्या हाल होगा। मुझे तो ये सोच सोच कर डर लग रहा है कि मैं अपने खुदा को क्या जवाब दूंगा। उसके माँ बाप से उनके जिगर के टुकड़े को मैं अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया हूं। वादा किया था उनसे कि उनकी बच्ची की आंख में एक आंसू तक नहीं आने दूंगा। नहीं, मैं अम्मार को हरगिज वापस बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर वो हमें धोखा देकर या बगैर बताए चला गया तो फिर बेहतर है कि वो वहीं पर रहे। आग कर दूंगा उसे। आज सैन भी मुझसे नाराज से थे। हमारे दरमियान अगर बात हुई भी तो सबीहा के बारे में। अब तो बहुत टाइम हो गया होगा, शायद सो गए होंगे। इशाल यकीनन आज जिद करेगी तुम्हारे साथ आने की। तो तुम्हें याद है ना जो मैंने तुम्हें समझाया था? इशाल को खिड़ला लाने का कहकर मोम जाती नहीं कर रही। क्या करूं? क्या मैं इशाल को? नहीं, मैं मोम के हुक्म के खिलाफ जा ही नहीं सकता, उनकी बात को नहीं टाल सकता। इशाल की बहुत बुरी हालत हो रही थी। क्यों, कोई नाराजगी हो गई उससे? वो बेचारी क्या कहेगी? वो तो ऐसा कुछ कहती नहीं कि मैं नाराज। ओह, बेचारी बेचारी है वो, जुल्म हो रहा है बहुत। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? जब अल्लाह मियाँ ने मुझे इतनी खूबसूरत बीवी दी, तो उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अगर मैं खूबसूरत गुलाब ले आया तो क्या होगा? वैसे मैंने नोटिस किया कि आप शादी के बाद केयरिंग नहीं हो गए थे। क्या मतलब? शादी से पहले नहीं था? आइला, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मैं बहुत मजबूर हूँ, नहीं आ सकता अभी। तो फिर बता दो अपने घर वालों को कि तुमने यहाँ शादी कर ली है। अरे अजीब बात करती हो तुम। माँ बाप के हजारों अरमान होते हैं। अच्छा, अगर वो तुम्हें कहेंगे कि वहाँ पे शादी कर लो, तो क्या मान जाओगे तुम? नहीं मानूंगा। उस वक्त भी तो बताओगे ना कि तुमने शादी कर ली है और यहाँ पर तुम्हारी एक बेटी भी है। तो आज क्यों नहीं? अमर, हो सकता है कि अभी बता दिया तो वो मुझे रोक लें, गुस्सा आए और वापस ही ना आने दें तुम्हारे पास। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब उन्हें पता चलेगा ना कि वो एक पोती के दादा दादी हैं, वो बहुत खुश होंगे, मान जाएंगे। उन्हें खुशी निशा को सामने देखकर होगी। तुम्हें और निशा को सामने देखकर इनकार नहीं कर सकेंगे। अमर, फिर वही बात। तुम्हें पता है कि मैं उमर को छोड़कर नहीं आऊंगी। जानता हूँ मैं, लेकिन तुमने ही बताया कि डॉक्टर्स ने कहा है कि सर्जरी के बाद उमर ठीक हो जाएगा। फिर मैं निशा और तुम्हारे साथ उमर को भी ले आऊंगा। अब क्या हुआ आइला? अमर, मुझे ना लेट हो रहा है, मैंने निशा को फ्रेंड की तरफ छोड़ के फिर हॉस्पिटल भी जाना है, बाद में बात करती हूँ। अच्छा अच्छा, सुनो, तुम कोशिश करना ऑपरेशन 15 दिन बाद हो, फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके, खुदा हाफिज़। अमार? आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने मुझसे प्रॉमिस किया है ना कि आप अपना काम जल्दी खत्म करके वापस आएंगे, और मैंने भी इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है कि आपका वहां जाना बहुत जरूरी है, अपना बिजनेस फाइंड अप करना जरूरी है। पुरसुकून हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अमार, किसी आयला की कॉल आ रही है आपके फोन पे। हाँ, मैं देख लेता हूँ, तुम पैकिंग करो। क्या हुआ सर, आप सोए क्यों नहीं? यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी सोई होगी या तकलीफ से वो। सर वो सोने से पहले मैंने तैमूर से बात की थी, जो दवाइयाँ दे रहे हैं ना उससे गहरी नींद में है वो, तभी तो इतने सुकून से मैं अपनी नींद पूरी कर रही थी, वरना मैं आपकी तरह परेशान नहीं होती अभी। तैमूर ने और क्या कहा? उसने सुबह सुबह उसको डॉक्टर के लेके जाना है ना, इसलिए मैंने उससे ज्यादा बातचीत नहीं की, उसको भी आराम की जरूरत है, बेचारा थक गया है ना। तो ठीक है ना, फिर हम अभी अगर घर पे नहीं होगी तो अम्मा को हम सुबह ही ले जाते हैं, और जिया और भाभी कोई भी बहाना बना देंगे। जी जी बिल्कुल, आप बहुत सोचते हैं, खुदा के वास्ते सो जाएं और मुझे भी सोने दें, चलें। अरे भाई दोनों कहाँ रह गए? उनको बोलो नाश्ता लग गया है, आ जाए। आपने जब से बात की है ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, सारी रात मुझे नींद नहीं आई है। जवान औलाद है, उसने अपनी पसंद से शादी की है। आपको लगता है वो हमारे कहने पे उसे छोड़ेगा? उसके दिल में तो वही बसी हुई है ना। देखो अम्मार को उस लड़की को अपने दिल से निकालना होगा, और आयजा के लिए अपने दिल में जगह बनानी पड़ेगी। हम जबरदस्ती तो उसके दिल में जगह नहीं बना सकते ना। देखो आज सुबह मैंने उनके साथ कुछ इंतजाम तो किया है, अब आगे अल्लाह बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो आबाद रहो। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। अभी तुम्हारा हनीमून का क्या प्लान है? अभी तो कोई प्लान नहीं बनाया। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ प्लान कर दिया है। आज शाम तुम दोनों इस्लामाबाद जा रहे हो 6 बजे की फ्लाइट से, और इस्लामाबाद और मरी में तुम दोनों के रहने का भी इंतजाम कर दिया है, और गाड़ी और ड्राइवर भी तुम दोनों के साथ होगा। थैंक यू सो मच अंकल, लेकिन कल से तो नायाब की ढोलकी स्टार्ट हो रही है। बेटा वो अजहर से मेरी बात हुई थी, तैमूर की फैमिली में कोई इंतकाल हो गया है, इसलिए सारी ढोलकियां जो हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब जब तुम दोनों वापस आओगे तो इंशाल्लाह उसी शाम को मेहंदी है, और अगले दिन जो है वो बारात। अंकल आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें तैमूर भाई के घर जाना चाहिए अफसोस के लिए? बेटा जाना तो चाहिए, लेकिन इस वक्त तुम दोनों के पास वक्त नहीं है। अब हम ऐसे करेंगे ना, तुम दोनों को एयरपोर्ट छोड़कर वापसी पे उनकी तरफ से होते आएंगे। अमार, बहुत ख्याल रखना मेरी बेटी का। जी हाँ, और इसे बहुत खुश भी रखना है, वरना मैं तुम्हारे कान खींचूंगा। नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो हमारी शहजादी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। चलो, अगर ऐसी बात है तो कान नहीं खींचूंगा। फुप्पो नहीं आई? फुप्पो को तो आना था ना आज। अरे बेटा, रात उसको मैं उसके ससुराली रिश्तेदारों की तरफ छोड़ आया था इस वादे पर कि वो आज सुबह जल्दी आ जाएगी, लेकिन लगता है कि उसका दिल वहां पर कुछ ज्यादा ही लग गया है। आ जाएंगी, इतनी जल्दी क्या है, उनके जाने में काफी टाइम पड़ा हुआ है। लो आयजा बेटा, सुन रही हो अपनी सास की बातें? अरे ये इस तरह जान छुड़ाती है अपनी नंद से। तौबा है इरशाद, मैं तो उनको रोकना चाहती थी, आपने ही तो कहा कि बुरा लगता है, जाने दो उनको। आप भी मजाक कर रहा हूँ। जन्नत बीबी चाय तो ले आइए। शुरू करो ना बेटा। शुरू करो, ठंडा हो गया सब कुछ। आप कुछ नहीं। नहीं अम्मी, हम दोनों साथ जाएंगे आपके। ऐसा हो कैसे सकता है अम्मी, वो इतनी तकलीफ में और हम उसके पास भी ना जाएं। नहीं बेटा, तुम लोग जरूर जाओगे, लेकिन देखो अभी अभियाना डॉक्टर के जाएगी अपने फॉलोअप चेकअप के लिए। जब वो डॉक्टर के होगी ना, मैं चाह रही हूँ अम्मा को उधर ले जाऊँ अफसोस करवाने, ताकि अम्मा उसका हाल ना देखें। फिर मैं अम्मा को वापस लाऊंगी, अम्मा दोपहर को ना सोएंगी, जब वो सोएंगी ना मैं तुम दोनों को ले जाऊंगी उधर, आई प्रॉमिस। चलो ठीक है। अच्छा नयाब बेटा, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी बोले बेटा, अभिया का जो हाल है अभी ना, ये ढोलकियाँ और ये रौनक और दिल नहीं मान रहा। मैं सोची थी अभी इस हाल में ना ये सब ना करें, क्या ख्याल है? अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी बहन को ना कुछ वक्त लगेगा ठीक होने में। नहीं लेकिन तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारी मर्जी बेटा, तुम जो चाहोगी हम करेंगे, योर डिसीजन टोटली। नहीं नहीं अम्मी, इसलिए मेरी खुशियाँ मेरे अपनों से हैं, और जब अपने नहीं होंगे तो खुशियों का क्या फ़ायदा। अब यह ठीक हो जाएगी ना, उसके बाद हम एक ग्रैंड मेहंदी रखेंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा हाँ, वो एक और ख़बर है। बाबा कह रहे थे कि इरशाद अंकल का फ़ोन आया था। हाँ, आयजा और अमार ना आज हनीमून पे जा रहे हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन देखो आयजा को ना अभिया के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वो पता है अपना हनीमून कैंसिल कर देगी बेचारी। हाँ नहीं नहीं अम्मी, आप टेंशन नहीं लें, हम आयजा को बिल्कुल नहीं बताएंगे, बल्कि उसे खुशी खुशी जाना चाहिए। हाँ, यू शुडंट स्पॉइल हर हैप्पीनेस, है ना। अरे कहाँ रह गई दुल्हन बेगम, जल्दी आ जाइए। अच्छा मैं इनको लेके जाती हूँ, वापस आऊंगी ना तुम दोनों को ले जाऊंगी, ठीक है ना? परेशान मत हो, बिल्कुल सी है। अगर अभी अभिया की तबीयत ठीक होती तो हम आयजा को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाते। पता नहीं कितनी तकलीफ में होगी अभिया। जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। देखो अम्मा की बात रखना भी बहुत जरूरी थी, इसलिए उनकी तसल्ली करवाने के लिए लाना पड़ा। तैमूर और अभिया भी 20 से 25 मिनट में हॉस्पिटल से घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो फिर तो कोई बात बनाकर अम्मा को वापस ले जाना पड़ेगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अम्मा को ले जाकर मुलाजमों के पास छोड़ देता हूँ, फिर मैं जेबा और बच्चियाँ वापस आ जाएंगी। आना जरूर, तुम्हें देखकर अभिया को हौसला मिलेगा। हाँ, और वैसे भी बहनों से मिलेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। ठीक है, आलसी और पेन हो रहा है आपको? मेरे चेहरे पर परेशानी नजर आ रही है क्या? अभिया मुझे पता है तुम मुझसे छुपाने के लिए पेन बर्दाश्त करेंगे, आई नो यू। ऐसी कोई बात नहीं है तैमूर, डॉक्टर ने कहा था टाइम पे मेडिसिन देती रहूंगी ना तो जल्दी ही हो जाए। आप परेशान है, सीट पीछे करके आराम से बैठ जाओ। अरे ठीक हो ना। अरे क्या कह रहा हूँ, सीट पीछे करो। ठीक है, सोच जूस भी होगी, आइसक्रीम खाओ। खा सकते हैं ना आइसक्रीम? ऑफ कोर्स, सब कुछ खा सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। और वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? बस हम लोग भी निकलने ही वाले थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि अभिया के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मुझे तो जहन ने वलीमे से वापसी पे बताया। नहीं नहीं, अभिया को कुछ नहीं हुआ। अम्मा रुक जाइए एक सेकंड। अजर अम्मा कुछ नहीं हुआ। हम पूछ रहे हैं क्या हुआ हमारी अभिया को। झूठ बोला गया हमसे, हमसे झूठ बोला गया, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि हमारा दिल घबरा रहा है। कुछ ना कुछ जरूर हुआ। क्या हुआ हमारी अभिया को? कहाँ है हमारी बच्ची? कैसी हमारी बच्ची? अम्मा, अजहर, अम्मा, क्या हुआ हमारी अभिया को? अम्मा, अम्मा जी, अम्मा, प्लीज। क्या जरूरत थी अम्मा के सामने ये बात बोलने की? अगर मेरी अम्मा को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या घर चलते हैं, प्लीज प्लीज घर चलते। कुछ नहीं कुछ नहीं, मामूली सी चोट आई है उसको। अभिया को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमें उसके पास लेके जाओ। हाँ हाँ, अगर ठीक है तो हमें लेके जाओ। चलो अम्मा ये देखें, ये वाले कपड़े रख दूं आपके? हाँ रख दो, सर्दी होगी वहाँ। अमर किसी आयला की कॉल आ रही है आपके फोन पे। हाँ मैं देख लेता हूँ, तुम पैकिंग करो। अच्छा सुनो, वो मेरे कपड़े काफी हैं, तुम अपनी पैकिंग करो। ठीक है। के ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद की डेट दी है डॉक्टर ने, लेकिन तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम 15 दिन बाद ही आ जाओगे यहाँ। क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा वापस, कैसे मनाऊंगा अम्मी बाबा को? क्या हुआ? मम्मी अबू ने कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए हैं। हाँ तो कॉल करो ना अम्मी को, उनसे पूछो कहाँ है। पता नहीं कॉल करना ठीक रहेगा भी या नहीं। आयशा को कॉल करूँ? हाँ लेकिन रुको, उसे बहुत केयरफुल होकर बात करनी है, उसको अभिया के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। फोन पे नहीं। नायाब कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? सुना है हनीमून पे जा रही हो? तुम्हें कैसे पता? मुझे अम्मी ने बताया था और आई थिंक अम्मी को ना बाबा ने बताया होगा। हाँ वो अंकल ने बात की होगी ना अब्बू से। मेरी भी बात कराओ ना। अच्छा ये लो ईशाल से बात करो, फोन स्पीकर पे है। हाँ ऐसा खुश हो तुम? बहुत खुश हूँ, लेकिन सुनो अगर मैं तुम लोग से मिलने नहीं आ सकी ना तो तुम सबको बता देना। हाँ 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 सबको बता देंगे। वैसे एक बात है, जब से अमर भाई मिले हमारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, भूल ही गई हो। जी बिल्कुल। पागल हो गई हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो तुम अपनी पैकिंग करो, तैयारी करो, हम बाद में बात करते हैं। बाय। अल्लाह हाफिज़। बाय। इस कदर की मुश्किल उठाई हमारी बच्ची और तुम लोगों को हमें बताना चाहिए था। नहीं नहीं अम्मा बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। अरे परेशानी की तो बात है, इस उम्र में हमें कुछ हो जाता, हमारी बच्ची को क्यों? अल्लाह ना करे, अपने अमान में रखे। आपसे अपॉलोजाइज करना चाहती हूँ मैं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन लोगों ने आपको ये बात बताई नहीं है। मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई, मैं बहुत माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं बेटे, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। असल में अगर हम आपको बताएं तो गलती तो हमारी। हम अपनी पोतियों से दर्जा मोहब्बत करते हैं, इस कदर का प्यार करते हैं कि हमारी औलाद को मालूम है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उनकी जरा सी भी तकलीफ, बस इसलिए हमसे छुपा लिया। आपकी कोई गलती नहीं, आप इस तरह ना कहिए। बस अबिया को देखना चाहती हूँ, फिर मैं चलूंगी। मैं आपसे माजरत करता हूँ कि मैं बहुत जज्बाती हो गया था। नहीं अजर, आप बिल्कुल माजरत ना करें। कोई भी ताबेदार बेटा होता आपकी जगह तो वो यही करता। शुक्रिया। अगर किसी वजह से कभी मेरी ऐसी हालत हो गई या मैं किसी तकलीफ में हुई तो मुझे पता है मेरा जहन भी यही करेगा। मैं मिल लूँ? यस। या अल्लाह अपने अमान में रखना हमारी बच्चियों को। अच्छा तो आप लोग इसलिए फोन नहीं उठा रहे थे। अब दादी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो अब हम मिलने तो आ सकते हैं ना? बेटा वो बहुत थकी हुई थी, सो गई है। हम भी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तुम लोग ऐसे करो ना, दोपहर का खाना खा के ना फिर उसके बाद यहाँ आ जाना। अम्मी आयजा का भी फ़ोन आया था तो वो कह रही थी वो हमसे मिलने नहीं आ सकेगी। ठीक है बेटा ठीक है, बस वो अपनी सहूलत देख ले, हमारी दुआएं हैं ना उसके साथ। हम बस अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है? ओके खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।